नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश के साथ साथ जिले में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप का कारोबार फल फूल रहा है। झोला छाप गंभीर बीमारियों में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा एक मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर ब्योहारी ब्लॉक के पापौंद निपनिया जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पैतृक गृह ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां डॉक्टर नहीं है, जिसका फायदा उठाकर झोला छाप डॉक्टर खुलेआम भोले भाले लोगों का इलाज कर रहे हैं। यह सब फर्जीवाड़ा खुद सीएमएचओ के नाम पर चल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ब्योहारी विधानसभा के पापौंद निपनिया प्राथमिक अस्पताल के ठीक बगल से सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगाकर फर्जी डॉक्टर मरीजों का उपचार करते मिला। हम आपको बता दें कि शहडोल जिले के अंतिम छोर ब्योहारी के निपनिया में उप स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड निपनिया प्राथमिक अस्पताल से लगभग 100 मीटर दूर मुख्य मार्ग पर लगा हुआ है। उस बोर्ड के ठीक बगल से सरकारी आवास बने हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारी रहते हैं। बोर्ड के आसपास कोई सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन एक निजी भवन पर पांडे नाम का व्यक्ति अवैध क्लिनिक संचालित कर रहा है। सरकारी प्राथमिक अस्पताल के ठीक बगल से संचालित इस फर्जी क्लिनिक में स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रहती है। पांडे नाम का व्यक्ति खुद को ग्रामीणों के बीच डॉक्टर बताता है। वहां दो बिस्तर भी लगाए गए हैं। मरीजों को बॉटल लगाने के साथ साथ चीरफाड़ और टाका लगाने का भी काम खुलेआम किया जाता है। उक्त फर्जी क्लिनिक में भारी मात्रा में दवाइयों का भी अवैध भंडारण है। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल सीएमएचओ डॉक्टर आरएस पांडे को दी, लेकिन उन्होंने अपने खुद के गांव में चल रहे फर्जीवाड़े के इस मामले को दबा दिया। पापौंद निपनिया क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा झोला छाप डॉक्टर खुलेआम अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। इनमें कुछ मेडिकल स्टोर के नाम में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो कुछ अवैध क्लिनिक के नाम मेडिकल की दुकान चला रहे हैं। सीएमएचओ के गांव में जो प्राथमिक अस्पताल बनाया गया है, वह एक महिला स्वीपर के भरोसे चल रहा है। वहां कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है। 2 नर्स की तैनात की गई है। एक कंपाउंडर पदस्थ है जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं नर्स डिलीवरी का मुख्य काम करती है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी कुछ दिनों से अस्पताल में ज्यादा समय स्वीपर दीदी ही रहती हैं। जो मरीज आते हैं, उन्हें प्राथमिक अस्पताल से फर्जी उप स्वास्थ्य केंद्र की ओर भेज दिया जाता है। वह इस मामले में सीएमएचओ आरएस पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि डॉक्टर की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी। मैंने कल ही हेल्थ कमिश्नर को डॉक्टर की कमी के लिए पत्र लिखा है। निपनिया के इस मामले की मैं जाँच करवा लेता हूँ। इलाज कर रहे हैं? कब से यहाँ इलाज हो रहा है? आपने जो प्रकरण बताया है पपौंद का, पपौंद में तो खैर कोई ऐसा प्रैक्टिसनर है नहीं, पर फिर भी मैं दिखवा लेता हूँ, आके बीएमओ को मैं निर्देशित करता हूँ कि जाके देख के कहा कि कोई ऐसी शिकायत हो तो कार्रवाई करेंगे। सर, झोला छाप क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और लगातार इलाज कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि दवाइयों की व्यवस्था रूरल एरिया में इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। हालांकि हमारे पास हर जगह ऐसा कार्यकर्ता सीएचओ सब हेल्थ सेंटर पर है, पीएससी में मेडिकल ऑफिसर्स भी है। कहीं कहीं कुछ लोगों की कमी है, इस पर बहुत सारे रिक्त भी है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तर को पत्र भी लिखा गया है।